नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक नाबालिग युवती से 2 वर्ष तक लगातार दुराचार करने का मामला सामने आया है। मामले को पंजीबद्ध कर लिया गया है। 376 का मामला पंजीबद्ध करते हुए पास्को एक्ट के अंतर्गत भी पुलिस ने मामले को दर्ज किया है। जी हाँ, एक नाबालिग युवती से दुराचार का आरोप जिस पर लगा है वह रिश्ते में युवती का मौसा बतलाया जाता है। पुलिस ने मामले को पंजीबद्ध किया। हालांकि जो आरोपी है वह फरार बतलाया जाता है। युवती को उसने 2 वर्ष पूर्व एक कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुराचार किया और उसके पश्चात वह लगातार उसको ब्लैकमेल करता रहा, क्योंकि उसने उसकी वीडियो और फोटोग्राफ बना के रखे हुए थे। परेशान युवती ने आखिरकार पुलिस की शरण ली और पुलिस ने मामले को पंजीबद्ध किया। बड़वाड़ी के एक ग्राम ओझर का मामला बतलाया जाता है। आइए एलएनवी टीवी के माध्यम से हम आपको दिखलाते हैं क्या कहते हैं वहां की एसडीओपी और क्या है मामला। मध्य प्रदेश के बड़वाड़ी में एक ग्राम में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल का मामला सामने आया है। लगभग 2 वर्ष तक लगातार दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामले को पंजीबद्ध करते हुए विवेचना में लिया है। आरोपी युवती का बड़वाड़ी एसडीओपी आकांक्षा तलवे ने एलएनवी टीवी को जानकारी देते हुए बताया। बालिका के साथ उसके मौसा ने दुष्कर्म किया है। मामला वर्ष 2016 की है, जब वह अपने मौसा जी के यहाँ पढ़ने के लिए रहती थी। बालिका ने डर के कारण यह बात अपने घर वालों को नहीं बताई तथा उसका मौसा उसे बीच बीच में धमकाता भी रहा कि यदि उसने सूचना घर वालों को बताई तो वह उसके वीडियोस वायरल कर देगा। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर से FIR कायम कर ली है। चूँकि बालिका नाबालिग है इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत व भादा वी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। जैसे पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करने के बाद आरोपी की सरगर्मी से तलाश प्रारंभ कर दी है। बड़वाड़ी से रंकेश वैष्णव की रिपोर्ट। समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।